नमस्कार। आज हम कक्षा 9 अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.5 के शेष सवालों को हल करेंगे। इससे पूर्व हमने 2.5 लगभग 1 से 2 क्लासें इससे पहले हमने पढ़ ली हैं, जिनमें काफी सवालों पर चर्चा कर चुके हैं, काफी सवाल हल करा चुके हैं। अब ये पूरा जो 2.5 प्रश्नावली है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सर्व समीकरणों पर आधारित है। किस पर आधारित है? सर्व समीकरणों पर आधारित है। यदि आप सर्व समीकरणों को याद करेंगे तब यह बहुत ही आसान रहेगा, और यदि आपने सर्व समीकरण याद नहीं की, उनको नहीं पढ़ा, उनको नहीं देखा, तो निश्चित ही आपको परेशानी होगी, और बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कृपया करके आप सबसे पहले पुस्तक को खोल करके या हमारा वीडियो देख करके, इससे पूर्व की क्लासों का वीडियो देख करके, आप सर्व समीकरण 8 हैं, 5 और 3 8 सर्व समीकरणों को अपने दिमाग में परमानेंट स्टोर कर लें। आइए प्रश्न क्रमांक 8 के सवालों को हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये 8 का पहले नंबर का जो सवाल है, पहला नंबर जो है वह है 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a² b प्लस 6ab² ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करके गुणनखंड करना बताना है। अब हम देखते हैं इसको, जैसे ही हम देखते हैं हमें लगता है कि एक सर्व समीका इसमें लगी है, और शायद वह सर्व समीका ये हो। तो हमने लिखा ऐसे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² ठीक। अब हमने क्या किया, ये आ गया और बराबर होता है a प्लस बी का होल घात 3 ठीक है। हमने इसके लिए भी a किया, मान लो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a³ ठीक है। इसको b³ लिख दिया प्लस 3a² मतलब 2 3 × 2a² है इसका, गुना बी मतलब आपका बी प्लस 3 × a मतलब 2a × b² मतलब बी, यानी इसके बराबर में क्या हो जाना चाहिए, a की जगह 2a हो जाएगा और b की जगह b हो जाएगा, और क्या है 3। अब हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे, 2a + b³ यानी इसको गुणनखंड यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a + b और 2a + b, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार से ये 8 का पहला क्वेश्चन सर्व समीका से हल होगा। ये क्या है, ये सर्व समीका है, ये क्या है, सर्व समीका या सूत्र, यहां लिख दो आप क्या है, ये सर्व समीका ठीक है। अब इसके जैसे आप इसके अगले सवाल कर सकते हैं, बस माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए मैं इसका दूसरा और करा देता हूं आपको, कुछ जितने होंगे मैं आपको सवालों को हल कराऊंगा, बाकी कुछ आप अपने लिए भी बचा कर रखिएगा, और मैं भी बचाऊंगा आपको कि आप स्वयं थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करके उन सवालों को हल करें, जिससे कि आपको भी करना आए ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी का करते हैं सॉल्व, 8वे का क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करते हैं ठीक है। आइए आप 8वे का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
ठीक है, हमने किया आठवें का प्रश्न क्रमांक, सॉरी सेकंड, ऐसे लिख लें आप सेकंड। ये हमारे पास दिया है, लगभग लगभग सेम है, सिर्फ माइनस है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको स्वयं हल कर लें, सिर्फ माइनस चेंज कर लें। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ए प्लस बी की और घात तीन लिखी है, आप उसे ए माइनस बी की और घात तीन लिखेंगे और तीन बार लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आप कीजिएगा, हम आपको तीसरा क्वेश्चन हल करके बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, देखो क्या दिया है, ये दिया है 27 माइनस 125, ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की घात 2। ठीक है, हमने हल किया, वही माइनस वाली सर्वसमिका हमें लगानी है, हमने हल किया, सबसे पहले सर्वसमिका लिखी, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और बराबर हो गया ए माइनस बी की होल घात 3। ये क्या हो गया हमारा, ये सर्वसमिका या सवाल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, तोड़ने का प्रयास किया, इसको लिखा, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 5a की होल घात 3 माइनस, अब आप लिखेंगे 3 ए स्क्वायर, मतलब आपका 3 का स्क्वायर है ना, ठीक है, और b मतलब आपका कितना है 5 a, तो आप ये कितना हो जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर b, जब आप करेंगे 5 नहीं होगा सर, 5 तो 25 25 पंजे 125, सही कह रहे हैं आप, बी तो 3 ए स्क्वायर बी में आपको कितना होगा, 3 दिया 9, 9 दिया 27 और 27 पंजे 135 सही है, ये आपका हो जाएगा और प्लस आपका क्या होगा 3 गुना ए मतलब 3 और बी मतलब 5 ए का होल स्क्वायर, ये आपका 25 तेरा 75 और तेरा कितना हो जाएगा 225 और बराबर में क्या जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 ए की घात 3, 3 माइनस 5 ए की घात 3। ठीक है, अब हमारा है 3 माइनस 5 ए की घात 3 बराबर क्या लिखेंगे, 3 माइनस 5 गुणनखंड 1, 3 माइनस 5 गुणनखंड 2 और 3 माइनस 5 गुणनखंड 3 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आठवें का तीसरा सवाल हमने आपको हल करके बता दिया, अब आप चौथा स्वयं करेंगे, पांचवा और हम करा देते हैं, क्यों करा देते हैं, क्योंकि इसमें समस्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ बटे में वैल्यू है, क्या है, सिर्फ बटे में वैल्यू है और जब बटे में वैल्यू आ जाए तब हमें किस प्रकार से हल करना है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक आठवें का पांचवा नंबर हम आपको कराते हैं, लीजिए आठवें का पांचवा हम आपको करा देते हैं, है ना, ठीक है, आठ का पांचवा, आठ का पांचवा हम देखते हैं, ठीक है, पांचवा हमने किया, आठ का पांचवा ये है 27 पी की घात 3 माइनस 1 बटे 216 माइनस 9 बटे 2 पी स्क्वायर और प्लस 1 बटे 4 पी, वही क्यू वाला सूत्र दिख रहा है, फिर हम लगाते हैं, हल करते हैं, प्रयास करते हैं, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, है ना,
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर a माइनस बी की घात तीन। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, आपका ये हो गया, अब इसको जैसे ही हम हल करते हैं तो आपका इसको क्या लिख देंगे, तीन p की घात तीन, यानी तीन तिया नौ तिया सत्ताईस होता है। ठीक है, आगे b मतलब वन अपॉन सिक्स, क्योंकि छह का क्यूब कितना होता है 216। अब a और b आ गए तो आपको दिक्कत ही नहीं है, a का स्क्वायर मतलब तीन p का होल स्क्वायर और गुणा b मतलब एक बटा छ। ठीक है, जो भी होगा वो एक बटे दो आ जाएगा कट करके, हैं प्लस a मतलब तीन गुण a मतलब आपका तीन p और b मतलब आपका एक बटे छ, तो वो दो आ जाएगा, आपका दो दूना चार, तीन दूना छ, तो इसका एक बटे छ का दो स्क्वायर, तीन दिया नौ सौ छत्तीस ये हो जाएगा। अब इसका बराबर में आएगा कितना, ये आ जाएगा तीन पी माइनस एक बटे छ का होल घात तीन। ठीक है, अब हमने इसको किया तो आपका ये कितना हो गया, तीन पी माइनस एक बटे छह का होल घात तीन, तो ये हो गया तीन पी माइनस एक बटे छ एक बार, फिर तीन पी माइनस एक बटे छ दो, और तीन पी माइनस एक बटे छ तीन। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न क्रमांक आठ के पांच में से तीन सवालों को मैंने आपको हल करके बता दिया, अब शेष सवालों को आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक नौ जो दिया है आपको सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं हमें सत्यापित में क्या करना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या पेज नंबर लिख करके आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें सत्यापित करने के लिए कहा गया है, तो हम इसको सत्यापित कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक ये है आपका नौवां, नौवें को सत्यापित करना है। ठीक है, ये देखिएगा, छठवा और सातवा नंबर है, छठवा और सातवा जो है इसको कैसे सत्यापित करना है, हैं? ठीक है, इस प्रकार से आप ये सर्वसमिका नंबर छह और सर्वसमिका नंबर आठ का अध्ययन यदि करेंगे तो आपको निश्चित ही ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फिर भी यदि ये क्वेश्चन आपके को समझ में नहीं आते, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपको कठिनाई होती है हल करने में, तो निश्चित ही आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपको अपना परेशानी को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, या आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिख दें तो आप व्यक्तिगत रूप में मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सवालों को हल करना सिखा सकूं। ठीक है, आइए अब प्रश्न क्रमांक नौ को हम पॉज कर रहे हैं, यानी प्रश्न क्रमांक नौ हम हल नहीं करा रहे हैं, आपको सत्यापित करना है पुस्तक के माध्यम से, फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे तो हम उसको भी हल कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 का मैं एक सवाल हल कराऊंगा और बाकी आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 10 आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और इसके पश्चात हम शीघ्र ही अध्याय 3 की ओर बढ़ेंगे आगामी क्लास में। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ रफ करते हैं, आप 9 आपके लिए छोड़ते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और साथ साथ गणित में कुछ नया सीख रहे होंगे और अपने साथ ही अपने भाई बहनों को बताने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 10 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में हमारे पास सवाल दिया है 10 नंबर का, ये है 27 बाई की घात 3, है ना। ठीक है,
प्लस 125 जेड की घात 3, यानी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 से इसका विस्तार करना है। क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है या विस्तार करना है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सवालों में आप अभी तक जान गए होंगे कि हमें सबसे पहले इन सवालों में क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें इन सवालों में सर्वसमिका का उपयोग करना पड़ता है। सर्वसमिका का उपयोग जैसे ही होता है वैसे ही हम आगे की प्रक्रिया बनाने लगते हैं। ठीक है, हमने किया ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी का होल घात 3 प्लस 3 ए, आपका कितना हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब ऊपर दिया है नौवें क्वेश्चन में भी, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख देंगे और आप क्या लिख देंगे, या ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम कीजिएगा इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो आप ए प्लस बी और यहाँ लिख दो ए की घात 2 और माइनस ए बी और प्लस बी की घात 2। ऐसे भी यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कट जाएगा, कुछ बचेगा तो ऊपर का मिल जाएगा। हम इसको बनाते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 वाई की घात 3 लिख सकते हैं और इसको 5 जेड की घात 3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, 3 वाई प्लस 5 जेड, ठीक, और क्या हो, 3 वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 वाई गुणित 5 जेड प्लस 5 जेड का होल स्क्वायर, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। 3 वाई प्लस 5 जेड तो ऐसे ही रहा, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 9 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस 25 जेड प्लस 25 जेड, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वास्तविक उत्तर हो गया। मैं आपको एक बार आंसर शीट से और मैच करा देता हूँ। 2.5 का 10वें प्रश्न का पहला उत्तर 3 वाई प्लस 5 जेड तो 9 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड, इसको इधर लिखा है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इन सवालों को अच्छे तरीके से हल करें, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।